दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ और आज हम बात करने वाले हैं सोनी के XB700 की। अनबॉक्सिंग करेंगे, सारी खूबियां जानेंगे, लॉन्च हो गया ये इंडिया के अंदर, प्राइस की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले करिए उसे और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन, लाइक देना और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने सामने देख सकते हो, ये है सोनी के WF-XP700 ईयर प्लग्स। एक्स्ट्रा बेस के साथ आते हैं, IPX4 की रेटिंग भी है, ब्लूटूथ पे चलते हैं और सोनी कह रहा है कि ये 9 घंटे की बैटरी लाइफ आपको दे सकते हैं। तो 9+9 आवर्स मतलब 9 घंटे की जो ईयर प्लग्स हैं उसमें आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, साथ ही में चार्जिंग केस से आपको 9 घंटे की और बैटरी लाइफ मिल सकती है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स पे इसका प्राइस दिया हुआ है 11,990 ऑन द बॉक्स प्राइस है, पर जब ये लॉन्च होएगा, क्योंकि हम वीडियो लॉन्च से पहले बना रहे हैं, तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए देन दी MRP। बैक साइड पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, हेडफोन्स आर मेड इन वियतनाम, चार्जिंग केस इज मेड इन वियतनाम एंड द USB केबल इनसाइड इज मेड इन चाइना। तो सोनी ने बताया है कि कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमारे को इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो खुल गया है सोनी XB700 का बॉक्स, साथ ही में इसका रीडिंग मटेरियल भी यहाँ पर दिया हुआ है। सीरो हेडसेट की जो यूज़र गाइड है वो यहाँ पर साथ में दी गई है। तो बॉक्स में देखते हैं आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले है इसका क्वाइट रोबस्ट चार्जिंग केस, बड़ा चार्जिंग केस है, डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ, कैप्सूल शेप में है और ओपेक लिड है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे की चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंट बनाया है। आगे हैं दो सोनी के ईयर प्लग्स, वेरी डिफरेंट डिज़ाइन, जैसे यूजुअल ईयर प्लग्स आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर ट्रू वायरलेस, उनके मुकाबले एकदम डिफरेंट हैं ये ईयर प्लग्स। और बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल भी मिल रही है, छोटी केबल है तो आपके लैपटॉप से आराम से कनेक्ट हो जाएगी, या अगर आपका चार्जिंग पोर्ट डेस्क पे है तो उससे भी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको एडिशनल ईयर टिप्स भी मिल रहे हैं, ये सिलिकॉन ईयर टिप्स हैं जो सोनी साथ में दे रहा है, देखते हैं कितने हैं। 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स आपको सोनी साथ में दे रहा है, तो मतलब 2 तो इस पे लगे हुए हैं, बाकी 3 और पेयर आपको मिलता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी ईयर प्लग से, यहाँ पर नीचे की तरफ एक बटन भी दिया हुआ है और एक डिफरेंट सी कंटोर्ड शेप दी गई है जो आपकी ईयर कैविटी में इसको आराम से फंसा देगा। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है दोनों उठाने में, अच्छी बिल्ट है, गुड क्वालिटी है, रगेड फिनिश दी गई है, IPX4 स्प्लैश प्रूफ हैं, तो हल्का फुल्का पानी या स्वेट चली जाए इसके अंदर तो इनको कुछ नहीं होगा। आराम से स्नैप इन भी हो रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक केस है और मैग्नेटिक ईयर प्लग्स हैं, तो जैसे ही स्नैप इन होते हैं तो दोनों में चार्जिंग LEDs स्टार्ट हो जाती हैं। रोबस्ट केस है, सॉलिड केस है। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर केस पे एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन्स USB टाइप सी के साथ ही आ रहे हैं। केस रोबस्ट है, अच्छी तरह खुल रहा है, हिंजेस स्ट्रांग है, आराम से स्नैपशॉट भी हो रहा है, कोई भी चीप कंपोनेंट यूज़ किया हुआ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर। लेफ्ट और राइट ईयर प्लग की इंडिकेशन भी दी गई है, साथ ही में एक और LED है, जब इसको आप चार्ज करेंगे तो ये भी ग्लो करेगी। दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग इन ईयर प्लग्स की, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोनी के WF-XP700 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की और थोड़े और फीचर्स की भी बात करेंगे अभी। सोनी ने जो ये 2 लेवल के ट्रायंगुलर ईयर प्लग्स बनाए हैं तो बड़ी आराम से ये आपके ईयर कैविटी में फिट हो जाते हैं। इसी के अंदर आपको 12 mm का ड्राइवर मिलता है पर यूनिट, मतलब बड़े ड्राइवर्स तो बिग ऑन साउंड भी। बैटरी लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर 9 घंटे की बैटरी लाइफ आपको दे रहे हैं ये सोनी के ईयर प्लग्स
और साथ ही में अगर आप इसको फिर से चार्ज करते हैं इसके केस के अंदर तो एडिशनल 9 आवर्स की आपको बैटरी मिल जाती है, मतलब इन टोटल 18 घंटे की बैटरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 10 मिनट का अगर आप चार्ज करेंगे तो 60 मिनट्स का आपको प्लेबैक भी मिल सकता है। साथ ही में जैसे आपको पहले ही बताया IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी है, यहाँ पर गूगल असिस्टेंट और सीरी सपोर्ट भी है, एंड एर्गोनॉमिक ट्राई होल्ड स्ट्रक्चर इसको आपकी ईयर कैविटी में फिट रखता है, गिरते नहीं है ये ईयर प्लग्स। माइक्रोफोन्स इसके अंदर बिल्ट इन है तो हैंड्स फ्री ऑपरेशन आपको आराम से मिल जाता है इन्हीं ईयर प्लग्स में। सोनी एक और चीज पे एम्फेसाइज करता है कि इन दोनों ईयर प्लग्स में आपको स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों में ब्लूटूथ है। यूजली होता क्या है, एक ईयर प्लग में ब्लूटूथ होता है तो वो दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और जिसमें ब्लूटूथ है वही आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप से कनेक्ट होता है, पर यहाँ पर इन दोनों ईयर प्लग्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो साइमल्टेनियसली लेफ्ट और राइट ब्लूटूथ ईयर प्लग्स आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप से कनेक्शन ले रहे हैं तो साउंड क्वालिटी बेटर हो जाती है, लेटेंसी भी कम हो जाती है। दोनों ईयर प्लग्स पे आपको बटन भी मिलते हैं, अगर लेफ्ट ईयर प्लग पे आप सिंगल प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम अप होती है, प्रेस करके होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होती है, मतलब वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन आप इन्हीं ईयर प्लग से कर सकते हो जो कि बाकी काफ़ी सारे जो वायरलेस ईयर प्लग्स आते हैं उन पे नहीं मिलता। राइट साइड पे जो बटन दिया गया है सिंगल प्रेस पे प्ले पॉज होता है, डबल प्रेस पे नेक्स्ट ट्रैक आता है और अगर 3 बारी प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएंगे। साथ ही में अगर आप सोनी हेडफोन्स कनेक्ट की ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको 5 बैंड इक्वलाइजर भी मिल सकता है और इसका बेस लेवल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ी देर के लिए ट्राई किया है तो साउंड काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छी है, मुझे बड़ा मज़ा आया इस पर म्यूज़िक सुन के। बाकी सारा मैं आपको बताऊँगा इसके फुल रिव्यू में ऑन gadgetbridge.com। अब बात की जाए इसके प्राइस की, क्योंकि हम ये वीडियो इसके प्राइस आने से पहले बना रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ हर बारी के जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आया है तो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन भी। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज हिंदी, मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।